अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वाइट कार्ड मौजूद है और आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करके आप यूनान के पक्के कागजात खरीद ले सकते हैं। रेजिडेंट परमिट यूनान के, उसके बारे में कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, पहले एक बात वाजिया करना चाहता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 5 से 6 साल से यूनान में हूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ। नए दोस्तों के लिए जितनी हेल्प हो सकती है, सब दोस्तों के लिए हेल्प के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं बनाता रहूंगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद के लिए वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो वाइट कार्ड है, अगर आपके पास चल रहा है वाइट कार्ड, तो उसको वैसे तो एक दो तरीके और भी हैं, लेकिन आज का जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर आप यूनान में रहते हैं और अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री की कोई लड़की आपकी दोस्त है या फिर आपके साथ वो रहती है, वो किस बेस पे आप फिर कागज ले सकते हैं। अगर दोस्तों, यूनान का एक कानून है यहां पर, अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज की लड़की हो, वो आपके साथ ग्रीस में यहाँ पे रहती भी हो, बेशक शादी ना की हो, आपकी सिर्फ दोस्त हो और सिर्फ आपके साथ रह रही हो, यानी कि आप दोनों का नाम स्मोलियो के अंदर हो और आप उस बेस पर रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर पहले जो होती है वो आपको नीली वीवो सी मिलती है रेजिडेंट परमिट के तौर पर, और फिर एक साल बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर पास हो जाए तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, जो 3 साल वाला कार्ड है, वो मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको मशवरा यही दूंगा, अगर आपके कोई इस तरह का दोस्त वगैरह है आपके पास, यानी कि कोई लड़की आपकी दोस्त है, तो अगर आप उसको मना लेते हैं या किसी भी तरीके से, अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप जेंटों के थ्रू कराएं या जेंट से करें, खुद करें, आप जो भी करना है खुद करें, किसी अच्छे वकील से फिर रब्ता करें, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी काम है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद किसी लड़की से दोस्ती वगैरह करें। अगर आपकी वैसे कोई दोस्त वगैरह है तो आप उसको लेकर जाएं एक अच्छे वकील के पास और वहां से वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा और इसमें इस तरीके से आपको नीली वीओसी, जिसे रेजिडेंट परमिट कहते हैं, वो मिल जाती है। और जब आपका इंटरव्यू आता है एक साल के बाद, और वो इंटरव्यू अगर आपका पास हो जाता है, आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं, वो इंटरव्यू जब आपका पास हो जाएगा तो फिर दोस्तों आप परमानेंट रेजिडेंट भी हासिल कर सकते हैं। काफी सारे दोस्तों ने पैसे दे के एजेंटों को 2 नंबर वीओसियां ली हैं, लेकिन वो वीओसियां जो होती हैं, वो लड़की वो इसलिए बंद हो जाती हैं कि लड़की ने फ्रॉड किया होता है। वो बहुत से लड़कों के साथ इस तरह फ्रॉड कर चुकी होती है, वो पैसे लेके नाम लिखवा देती हैं और नाम लिखवा के खुद बाद में वो इंटरव्यू नहीं देने जाती। तो इस तरह दोस्तों, बाकी लोग जो होते हैं उनकी फिर वीओसी बाद में बंद हो जाती है, वो आपको नुकसान दे है। जब तक आप खुद एक अच्छा और रियल रिलेशनशिप नहीं शो करेंगे तो आपको फिर इस चीज का फायदा नहीं है। आप चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंट हासिल करना तो आप किसी ऐसी अच्छी लड़की से दोस्ती करें जो यूनान में या बल्गारिया या किसी भी कंट्री, इटालियन कंट्री की लड़की हो, वो ग्रीस में रहती हो, आप उसके साथ, अगर आप वो दोस्त बन सकती है आपकी, तो आप उसके साथ दोस्ती करके वो खुद किसी जेंट से, क्योंकि बाद नहीं मैं कर रहा, खुद आप जाएं, खुद अप्लाई करें और आपको कागज मिल जाएंगे और आप उसके साथ अच्छा वक्त गुजारें और जब इंटरव्यू आए तो आप इंटरव्यू दोनों देने जाएं, इंटरव्यू अच्छे तरीके से पास करें, तो फिर आपको इस तरीके से रेजिडेंट परमिट हासिल हो सकता है। दोस्तों, ये एक तरीका मैंने बताया, ये आपको किसी भी दोस्त को, शायद नए दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं पता होता, शायद पुराने दोस्तों को इस चीज का पता हो कि ये कानून है यूनान की गवर्नमेंट का कि आप अगर किसी लड़की के साथ रहते भी हैं तो आपको कागजात मिल सकते हैं। उसके लिए आपके पास वाइट कार्ड और पासपोर्ट होना जरूरी है और बाकी इसमें खर्चा कोई नहीं है, सिर्फ वकील की कुछ फीस है और जो गवर्नमेंट के जो कागजात की थोड़ी सी फीस है, ये आपकी लग जाएगी। उसके अलावा कोई फालतू पैसा आपका नहीं लगेगा। आप खुद जाएं, किसी भी जेंट को पैसे मत दें, आप खुद कागजी कार्रवाई जब करेंगे तो आपको फायदा हासिल होगा।
दोस्तों मैं जो इतनी मेरे इंफॉर्मेशन थी मैं आपको यही बता सकता था। इस वीडियो में इंशाल्लाह यही बात हुई और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा आप रह पक्का कागजात कैसे बना सकते हैं, रेजिडेंट परमिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों शुक्रिया, वीडियो को अख्ताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मजीद मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।